नमस्कार मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एस न्यूज़ आपने देखा होगा महरौली के अंदर सैकड़ों की तादाद में महिला बूढ़े बच्चों सब ने मिल देवी देवताओं को अपने मंदिर से बाहर निकाल दिया उसका कारण बहुत बड़ा था कि रविदासी समाज की मांगे नहीं मानी गई 19 तारीख को 21 तारीख को दिल्ली के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर बहुत व्यापक आंदोलन हुआ और जिसके अंदर सरकार ने बिल्कुल उनकी मांगों को नहीं माना है क्या कहते हैं आप कि रविदासी समाज के जो बच्चे नहीं आए हैं या सौ बच्चे जेल में बंद हो गए हैं किस वजह से आप लोगों ने ये मंदिर से मूर्तियों को निकाला है देखो हमने सबसे पहले तो मैं यहाँ कह दूँ कि जो जो भी हम काम कर रहे हैं हम अपने महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए उस काम को कर रहे हैं दूसरी बात हम यहाँ अपना कोई भी वक्तव्य नहीं दे रहे हैं हमारे महापुरुषों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध ने जो हमें दिया है उनकी शिक्षाओं पर चल चलते हुए हम उनकी बात करते हैं हमारा जो रविदास मंदिर था वो छः साल पुराना था सरकार ने अपनी गलत नीतियों के कारण हमारे मंदिर को तोड़ दिया और उसके बाद हमने जब अपने मंदिर की मांग की तो इस सरकार ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की और उल्टा जब जब हमने आंदोलन किए और उन आंदोलनों में हमारे बच्चों को इन्होंने ज़बरदस्ती उठा के बंद कर दिया बंद करने के बाद उन्होंने फिर छोड़ा नहीं वहीं पे नहीं रुकी उन्हें चौदह दिन की हिरासत में भेज दिया जिसे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे हम हर कीत में हम हर कीमत में रविदास मंदिर बनवा के रहेंगे तो उसके लिए हमें जो जो स्टेप उठाने पड़ेंगे उनके लिए हम तैयार हैं और जब ये मनुवादी सरकार को हमारे हितों की परवाह नहीं है वो वोट के टाइम पर जब कोई दंगे फसाद होते हैं उस टाइम पर हम हिंदू हो जाते हैं और वैसे हम हिंदुओं का अभिन अंग बोले जाते हैं लेकिन जब ये सरकार बन जाती है जब इनके सारी सारी चीजें ठीक सुचारू रूप से चलती हैं तो हम हिंदू नहीं रहते हैं तब इनके लिए हम अछूत हो जाते हैं अपवित्र हो जाते हैं तब हमें ये जातियों में बांट देते हैं तो मैं यहां कहना चाहती हूँ बाबा साहब ने 1935 में एक घोषणा की थी कि मैं हिंदू समाज में पैदा हो गए ये मेरे बस की बात नहीं थी लेकिन मैं हिंदू होकर मरूंगा नहीं ये मेरे बस की बात है और बाबा साहब ने उसी प्रतिज्ञा के अनुसार इस धर्म को 1956 में अपने मरने से पहले 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की धरती में धर्म परिवर्तन किया कम से कम भी वहाँ पर दस लाख अनुयायी बाबा साहब के साथ जिन्होंने धर्म को परिवर्तन किया लेकिन हमारी मुहिम उसके बाद रुक गई क्योंकि बाबा साहब इस धरती पर नहीं रहे और जब बाबा साहब नहीं रहे तो हमारी मुहिम रुकी और साहब काशीराम आए और साहब काशीराम ने इस मुहिम को चलाया आज देश तो में और देश में दुनिया में बाबा साहब के मानने वाले और साहब काशीराम के मानने वाले लाखों करोड़ों अनुयायी हैं और अब हम आ, आगे आने वाले टाइम में जैसे हमने इस रूढ़िवादी व्यवस्था को जो हमने अब आज तक ढोते आए हैं आज तक हमने ढोया इसको लेकिन अब हम हमने इन्हें सह सम्मान इनके घरों में वापस पहुंचा दिया है और अपने महापुरुषों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को और साहब भगवान बुद्ध को ज्योतिवार फूले को अपने महात्माओं को अपने घरों में लाने का काम किया है और इसके लिए हमारी सभी महिलाएँ सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं और अब उन्होंने भी कह दिया हम पाखंड की जो जड़ें हमारे अंदर समाई हुई थी उनको उखाड़ के फेंक देंगे जी हमारे साथ साथी भी हैं क्या नाम है आपका बलीराम बलिराम जी यूं तो बुद्ध का और बाबा साहब अम्बेडकर के मंदिर नहीं होता हुआ करते हैं लेकिन आपने ये जो अम्बेड गौतम बुद्ध की मूर्ति को मंदिर में रखवा दिया है तो इसको कैसे आप पूरा करेंगे इसको हम जो है पहले सबसे जबीन हम इस मंदिर का नाम जगह बुद्ध बिहार रखेंगे और जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं पूरे संसार के अंदर ये फेमस है बुद्ध विहार और बुद्ध के चरणों में हम समर्पित हैं डॉक्टर भीमराव के चरणों में समर्पित हैं उनके बताए हुए वचनों पे चरण उनप चलेंगे और 1919 में अंग्रेज़ों ने कानून बनाया था कि मनुवादी ब्राह्मण जो हैं वो जज नहीं बनने चाहिए अगर वो जज बनेंगे तो हमारी जो सभ्यता है हमारा जो कल्चर है हमारे जो महापुरुष हैं उनको ये ऐसे ही परित्याग करेंगे उनको तोड़वाएंगे हमारे मंदिर तोड़वाया हम मंदिर को वहीं पर बनाएंगे वहीं बनाएंगे जय भीम जय भारत अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले